देखिए, आपकी इस क्वेश्चन का ऐसे प्रैक्टिकल तरीके से मैं आंसर नहीं कर सकता था। आपका क्वेश्चन ये है कि हेजिटेशन कैसे दूर है। जब आपका क्वेश्चन मुझे मिला तो मैं इस हालत में था। जी हाँ, घर में ट्रेजिडी हो गई है जिसकी वजह से हेड शेव कराना पड़ा, और जब आपको हेड शेव कराना पड़ता है तो एक हिंट ऑफ डाउट आ जाता है कि फेस कैम वीडियो बनाएं या ना बनाएं। बट मैंने खुद से बात करी तो एक आंसर मिला, और वो आंसर ये था कि सबसे पहले खुद की हेजिटेशन दूर करें। परवाह मत करिए दुनिया की, लोग कल भी आपको जज कर रहे थे, लोग आज भी आपको जज कर रहे हैं, लोग फ्यूचर में भी करेंगे। हर किसी के साथ ये होता है, दुनिया आपको भी नहीं छोड़ेगी, दुनिया मुझे भी नहीं छोड़ेगी। तो बेहतर ये है कि वीडियो बनाऊं, उसके बाद में डिसाइड करूं कि लोग जज करेंगे तो क्या करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो बेवकूफी है वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ रही है। उसमें कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो इंटेलिजेंस है वो कॉन्फिडेंस तलाश रहा है। दुनिया भर के वो सारे इंटेलिजेंट लोग जिनके पास में जबरदस्त आइडियाज हैं, जबरदस्त थॉट्स हैं, जबरदस्त प्लान्स हैं, वो डर रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं और आगे नहीं बढ़ रहे हैं। एग्जीक्यूट करने पे फोकस करिए। अगर आपको अपने लुक्स की परवाह है, आपको इस चीज़ की परवाह है कि आप हैंडसम लग रहे हैं या आप सुंदर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, तो बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट उठाकर देख लीजिए, वो सारे एक्टर्स, वो सारे लोग जो बहुत गुड लुकिंग हैं, लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा है। दोस्तों, लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी लाइफ को पूरा उठाकर देखें, अब तक अपना पास्ट देखें, तो पास्ट में बहुत सारे काश हैं। कह देते तो, कर लेते तो, सुन लेते तो, पढ़ लेते तो, उस काश को ख़त्म करिए। यहाँ से जो ज़िंदगी बची हुई है उसमें हेजिटेशन का क्वेश्चन मार्क हटाइए। एक दिन में 1440 मिनट होते हैं, रोज़ कुछ एक मिनट, एक घंटा ऐसा करिए जो आपका कल अच्छा कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।